टीमवर्क हमें ज्यादा एफिशिएंसी की ओर ले जाता है। जो भी काम हो, लोगों का ग्रुप कोऑर्डिनेशन में इसे संभव बना सकता है, लेकिन एक टीम आमतौर पर एक लीडर के बिना अधूरी मानी जाती है। एक लीडर वो है जो न केवल गाइड करता है बल्कि टीम के अन्य मेंबर्स के कामों को नियंत्रित भी करता है। सेल के ऑर्गेनल्स को समझने के लिए इसी एनालॉजी का प्रयोग किया जा सकता है। अलग अलग ऑर्गेनल्स विशेष कामों के इंचार्ज की तरह होते हैं, और क्या आप गेस कर सकते हैं कि यहाँ कौन लीडर की तरह काम करता है? वो है न्यूक्लियस। आपने सही सुना, न्यूक्लियस हर एक ऑर्गेनल का कंट्रोल यूनिट है। सेल के सेंटर में स्थित ये अन्य ऑर्गेनल्स के कामों को नियंत्रित करता है, लेकिन वे अन्य ऑर्गेनल्स की एक्टिविटीज को किस तरह कंट्रोल करता है? आइए इस वीडियो में इसे समझने की कोशिश करें। न्यूक्लियस को प्रमुख सेल ऑर्गेनल का दर्जा इसलिए दिया जाता है क्योंकि इसमें ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मटेरियल होता है। अब ये जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है? अगर हम इस न्यूक्लियस में जूम करें तो हमें उलझे धागों की तरह के स्ट्रक्चर दिखते हैं। क्या आपको पता है ये स्ट्रक्चर्स क्या हैं? इन्हें क्रोमेटिन फाइबर्स कहते हैं। क्या ये जरूरी है हमारे लिए किसी भी तरह से? जी हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है न्यूक्लियस का, और यहाँ तक कि सेल का। वो इसलिए क्योंकि ये क्रोमेटिन फाइबर जेनेटिक मटीरियल को अपने अंदर बंद रखते हैं। जब ये सेल डिवाइड होते हैं तो ये लंबे धागे अपने आप में कॉइल होकर एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिन्हें क्रोमोसोम कहते हैं। हमारे सामने शब्द अक्सर आता है, ये कुछ इस तरह दिखता है। ये क्रोमोसोम्स छोटे महत्वपूर्ण सेगमेंट से बने होते हैं। इन यूनिट्स को जीन्स कहते हैं। जीन्स सभी ऑर्गेनिजम्स में हेरिडिटी का आधार बनते हैं। इसका मतलब है कि ऑर्गेनिजम्स और उनके माता पिता के बीच में समानताएं और विविधताएं। एग्जाम्पल के तौर पर, दोस्त और परिवार वाले बच्चों को देखकर क्या कहते हैं? वो बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती है, या वो अपने पिता की तरह है। ऐसा इसलिए है क्योंकि नए जन्मे बच्चों को अपने माता पिता से जीन्स मिलती है। अब हम थोड़ी और गहराई में देखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि जीन्स किससे बने होते हैं? जीन्स डीएनए के मॉलिक्यूल्स से बनी होती हैं। जी हाँ, आपने सही सुना। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए जीन्स बनाते हैं। तो अब अगर हम उल्टा देखें तो हमारे पास डीएनए मॉलिक्यूल्स हैं जो फंक्शनल सेगमेंट्स बनाते हैं, जिन्हें जीन्स कहते हैं। कई ऐसे जीन्स साथ मिलकर क्रोमोसोम्स बनाते हैं। हालांकि कॉम्पैक्ट क्रोमोसोम स्ट्रक्चर केवल तभी मौजूद होते हैं जब सेल डिवाइड होने वाला हो, तो आमतौर पर जब सेल रेस्ट या एक्टिव फेज में हो, सेल डिवीजन के अलावा तो क्रोमोसोम क्रोमेटिन नामक टैंगल्ड धागे के रूप में मौजूद होते हैं। दूसरे शब्दों में क्रोमोसोम्स और क्रोमेटिन एक ही है। जेनेटिक मटेरियल इन क्रोमेटिन धागों के रूप में बंद होता है जो न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। अब ये इस बारे में था कि न्यूक्लियस को प्रमुख ऑर्गेनल क्यों कहते हैं, लेकिन क्या आपको कोई आइडिया है कि ये रेगुलेशन का सिस्टम कैसे काम करता है? न्यूक्लियस के अंदर जो जीन्स मौजूद होती हैं, वो चुनिंदा प्रोटीन्स के लिए कोड करती हैं। ये प्रोटीन अलग अलग काम करते हैं जो सेल में हम देखते हैं। इसलिए इन्फॉर्मेशन देना, कम्युनिकेट करना, यहाँ तक कि किसी स्ट्रक्चर को बनाने जैसे काम, ये सभी काम प्रोटीन्स करते हैं। इस तरह से न्यूक्लियस मदद करता है दूसरे सेल ऑर्गेनल्स के अलग अलग कामों को नियंत्रित करने में। अन्य ऑर्गेनल्स के विपरीत न्यूक्लियस का भी अपना मेम्ब्रेन होता है जो अंदरूनी हिस्सों को बाकी साइटोप्लाज्म से अलग करता है। मेम्ब्रेन में हालांकि पोर्स होते हैं जो पदार्थों को उसके आर पार जाने की अनुमति देते हैं। इसके अलावा न्यूक्लियस का अपना न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जो बाकी साइटोप्लाज्म से थोड़ा अलग होता है। अब जब हमने सेल के प्रमुख ऑर्गेनल के बारे में जान लिया है, तो चलिए अब हम दूसरे काम करने वाले ऑर्गेनल को देखते हैं।
हमारे अगले वीडियो में बचे हुए ऑर्गेनल्स के बारे में सीखेंगे।